देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। आज मैं आपके सामने बेहद इंटरेस्टिंग खबर लेकर आई हूं। खबर पीएम मोदी प्लस लिट्टी चोखा से जुड़ी है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या लिट्टी चोखा पसंद है? आप सोच रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, तो आपको बता दूं कि आज इंडिया गेट के पास जो हुनर हाट सजा है वहां पीएम मोदी अचानक पहुंच गए और लिट्टी चोखा का स्वाद खूब चखा। पीएम मोदी ने पूरे हुनर हाट का दौरा किया। पीएम ने लिट्टी चोखा और कुल्लड़ वाली चाय का भी स्वाद लिया। हुनर हाट में पीएम मोदी लगभग 50 मिनट तक रुके रहे और अब आपको एक दंग कर देने वाली बात बताती हूँ। पीएम मोदी ने लिट्टी चोखा तो खाया, साथ ही लिट्टी चोखा के 120 रुपए भी अदा किए, 2 कप चाय पी और जिसके 40 रुपए का भुगतान पीएम मोदी ने किया। आपको याद दिला दूं वो संग्राम, चुनावी संग्राम, जब विपक्ष ने पीएम मोदी को चाय वाला कह कहकर बुलाया था और आज पीएम मोदी एक बार फिर चाय की चुस्कियां लोगों के सामने लेते नजर आए। दिल्ली वालों और शहर वालों, आप सोच रहे होंगे कि लिट्टी चोखा होता क्या है, नाम कुछ सुना सुना सा है और शायद पीएम को ये पसंद भी है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम इसे जरूर खाएं। तो आपको बता दूं कि लिट्टी चोखा गेहूं के आटे से गोल आकार में बनी होती है और इसके अंदर भरा होता है सत्तू और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हुनर हाट में जायके की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया। लिट्टी चोखा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में बेहद लोकप्रिय है। पीएम ने यहाँ देश के कोने कोने से आए कारीगरों, शिल्पकारों एवं दस्तकारों के उत्पादों की तारीफ करते हुए कहा कि मंत्रालय के इस प्रयास से बहुत सारे लोगों को बाजार उपलब्ध हुआ है। पीएम मोदी इंडिया गेट के निकट राजपथ पर लगे हुए हुनर हाट में पहुंचे और वहां के विभिन्न स्टॉलों में मौजूद उत्पादों को देखा। उनके साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ संगीत वाद्य यंत्रों पर हाथ भी आजमाया। अगर अभी तक आपने लिट्टी चोखा नहीं खाया तो लिट्टी चोखा का स्वाद आप भी एक बार जरूर चख लीजिए और हुनर हाट जरूर घूम आइए। हुनर हाट 13 फरवरी से 23 फरवरी तक लगा हुआ है। 13 फरवरी तो बीत गई लेकिन 23 फरवरी में अभी समय है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।